नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं खुशबू साहू। आज हम जनजातीय अंचल में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन पर्व कर्मा के बारे में बात करने वाले हैं। इस पर्व को मुख्य रूप से भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में निवास करने वाली जनजातियों के द्वारा धान रोपने के बाद और फसल कटाई से पहले भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस पर्व को मध्य एवं उत्तरी क्षेत्र अर्थात सरगुजा, जशपुर, कवर्धा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में निवास करने वाली गोंड, बैगा, बंजवार, उराव आदि जनजातियों के द्वारा अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है, किंतु ये सरगुजा अंचल का सबसे बड़ा पर्व है। इस प्रकार से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पर्व किसी एक विशेष समुदाय का पर्व नहीं है, बल्कि ये समूचे लोक अंचल में अपनी अपनी रीति रिवाज एवं मान्यताओं के आधार पर मनाया जाता है। प्रत्येक पर्व को मनाने के पीछे एक लोक इतिहास जरूर जुड़ा होता है। चूंकि इस पर्व को एक विस्तृत क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए इससे जुड़ी मान्यताएं भी हमें भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। जैसे कि झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां इस पर्व को कर्मा और धर्मा, इन दो भाइयों की कहानियों से जोड़ती है, तो वहीं पर महानदी घाटी के उत्तरी क्षेत्र में मतलब कि कोरबा और रायगढ़ जिले में निवासरत जनजातियां इस पर्व को राजा कर्मसेन की कहानी से जोड़ती है, तो वही मध्य और पश्चिमी छत्तीसगढ़ में ये कर्मसेनी देवी की उपासना का पर्व है, तो सरगुजा अंचल में उराव जनजाति के लोगों के द्वारा इसे कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। इन सभी लोक मान्यताओं का एक ही अभिप्राय है, वन्य जीवन और कृषि संस्कृति में कर्म की प्रधानता। चूंकि जनजातीय लोग अपने अपने देवी देवताओं का वास पेड़ पौधे या फिर नदी पहाड़ में मानते हैं, इसीलिए इस पर्व के दिन हल्दू वृक्ष की डाली को, जिसे कर्म वृक्ष या फिर कर्मसेनी वृक्ष भी कहा जाता है, इसकी डाली को आंगन में स्थापित करके इसे कर्म देवता या फिर कर्मसेनी देवी का प्रतीक मानकर इसकी पूजा करते हैं। महिलाएं इस पर्व के कुछ दिन पहले से ही सामान्यतः भादो, शुक्ल तृतीया या फिर पंचमी के दिन, ध्यान रखिएगा लोक अंचल में भादो शुक्ल तृतीया के दिन तीजा का पर्व मनाया जाता है, इस दिन महिलाएं सामूहिक रूप से अखड़ा या फिर आंगन में एकत्रित होकर नृत्य करती है। उसके बाद समीप के नदी तालाब में जाकर वहां की मिट्टी लाकर उस मिट्टी में 7 प्रकार के अनाज को बोती है। ये अनाज खरीफ में बोए जाने वाले अनाज होते हैं। इस स्वरूप को स्थानीय बोली में जाई या जावा कहा जाता है। इस जावा को एक स्वच्छ एवं ऊंचे स्थान पर रख दिया जाता है। महिलाएं प्रतिदिन इसकी सेवा करती है, इसकी पूजा अर्चना करती है और इसके चारों ओर घेरा बनाकर गीत गाती है। एकादशी के दिन के आते तक ये जाई छोटे पौधे का रूप धारण कर लेता है, जो कि उस वर्ष बोए गए फसल के अच्छे बुरे पैदावार का संकेत होता है। अब आता है भादो शुक्ल एकादशी का दिन। सरगुजा अंचल में इस दिन बहनें अपने भाई की दीर्घ आयु एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। फिर ग्राम के बुजुर्गों के द्वारा जंगल से कर्म वृक्ष या कर्मसेनी वृक्ष की डाली को काट कर लाया जाता है। उसे ग्राम के पटेल या प्रमुख व्यक्ति के घर के आंगन के बीचों बीच स्थापित किया जाता है। फिर सभी महिलाएं अपनी अपनी जाई को लेकर आती है, उसमें मिट्टी का दिया जलाती है और उसे फूलों से सजाकर कर्म वृक्ष के समक्ष रखती है। फिर उसके बाद अच्छी फसल की कामना, जीवन में कर्म की प्रधानता और कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु उनकी पूजा अर्चना की जाती है। फिर बैगा के द्वारा कर्मा पर्व से संबंधित कथा सुनाई जाती है और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद
पूरी रात्रि करम देवता की सेवा में महिला एवं पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य एवं गीत का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुषों का दल अलग अलग होता है, जिसमें महिलाएं बाहर की ओर एक दूसरे का हाथ पकड़कर और पुरुष अंदर की ओर हाथ में वाद्य यंत्र लिए पंक्तिबद्ध होकर या अर्ध घेरा बनाकर घूम घूम कर नृत्य करते हैं। जहां एक और पुरुष सर में पगड़ी, कलगी, पीठ में मोरपंख, पैरों में घुंघरू और हाथ में मांदर, झांझ, मोहरी या टिमकी लिए हुए महिलाओं के बीच में नृत्य करते हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर महिलाएं सामान्य वेशभूषा एवं आभूषण पहने हुए नृत्य करती हैं। इस नृत्य में पंक्तिबद्धता और पैरों की थिरकन का विशेष महत्व होता है। नृत्य के दौरान सभी स्त्री एवं पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से अपनी क्षेत्रीय बोली में कर्मा गीत गाया जाता है। कर्मा गीत एक पारंपरिक गीत है जो कि वार्षिक परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होकर आज भी अपनी अपनी क्षेत्रीय बोली में गाई जाती है। कर्मा गीत का विषय कर्मा पर्व में सुनाए जाने वाले कथा से भिन्न होता है। इसकी रचना किसी भी अवसर को दर्शाने के लिए की जा सकती है, मतलब कि ये एक आनंद एवं मनोरंजन का गीत है। पहले तो कर्मा गीत को केवल और केवल अनुष्ठानिक एवं धार्मिक अवसरों पर गाया जाता था, किंतु धीरे धीरे कर्मा गीत की लोकप्रियता बढ़ने से अब इसका मंचन कर्मा मंडली के माध्यम से भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कर्मा गीतों को जन जन के हृदय में पहुंचाने का कार्य मुख्य रूप से श्रीमती फिदाबाई, श्रीमती रेखा देवार, पद्मश्री ममता चंद्राकर, खुमान साव और कुलेश्वर ताम्रकर आदि के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पूरी रात्रि करम देवता की सेवा करने के बाद सुबह सूर्योदय से पहले व्रती बहनों के द्वारा समीप के नदी या तालाब में उस करम वृक्ष को विसर्जित कर दिया जाता है और उसके बाद व्रती बहनें अपना व्रत तोड़कर अन्न ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से जनजातीय अंचल में धरती पर कर्म की असीम प्रधानता हेतु कर्मा पर्व को मनाया जाता है। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को बारीकियों से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर शनिवार रात 8 बजे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।